हम तैयार हो गए हैं ना, अब हम घूमी घूमी जाएंगे। घूमी जा रही है सिया? मेरा बच्चा बीच में जाने के लिए तैयार हो गया। गोवा वाले बीच पे सैंडविच कर दो उसके लिए। नहीं खाएगी? नहीं खाएगी सैंडविच? मॉर्निंग, मैं हूँ अनु और स्वागत है आपका मेरे चैनल एपी मत तोलिया में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे उठने में, क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा सा लेट सोया था, इसी वजह से ऐसा तो तैयार होते हैं और बहुत सारा काम है। तो फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया है और उसकी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि खाना बनाते बनाते वीडियो भी बनाता तो फिर लेट हो जाता, इसलिए उसकी वीडियो शूट नहीं करी है। और अब मैं जा रहा हूँ थ्रेडिंग के लिए। काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है, एकदम आप देख सकते हो ना, जंगल टाइप की हो गई, पूरी भर चुकी है। अभी वीडियो में मेरे ख्याल से उतना दिख नहीं रहा, लेकिन सामने से ना बहुत भद्दा लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा आ गया। मैं बहुत कम बनाता हूँ, तो अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए मुझे बनाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं जाता हूँ, बना के आता हूँ फटाफट से। गाइस, अब मैं आ चुका हूँ घर और आप देख सकते हो मेरी थ्रेड ला के थोड़े अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद तैयार होते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहीं आपसे बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बनाते रह जाऊँगा ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो फिर बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। तो गाइस, वीडियो शूट करके जैसे ही मैं अपने रूम पर आया ना, यहाँ देखे मेरे बच्चे को पूरे फेस पे कपड़े पे पाउडर लगा के गिरा के इसने ऐसा कर रखा है ना, आजकल बहुत शैतान हो गई है। वैसे ही हमको देर हो रही थी, तो फटाफट से इसको नहलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, सिया नहा चुकी है और उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो काट देते वरना अपने फेस पे लगा लेगी। उसी के साथ साथ वो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रही है, 1-2 वगैरह सीख भी रही है काउंटिंग, और फिर उसके बाद हम लोग नहाते हैं, फिर मिलते हैं। हम तैयार हो गए हैं ना, अब हम घूमी घूमी जाएंगे। घूमी जा रही है सिया? घूमी जाएगी हैं? अच्छा। चलो फिर चलो। अच्छा, गाइज आप यहाँ देख सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये तो फिर भी कम है, पीछे हमें इससे भी ज़्यादा मिला। इसके पापा भी मना कर रहे थे कि इतनी गर्मी है, नहीं जाते हैं, सीज़न टाइम भी है, कहीं हम रास्ते में फंस ना जाएं, लेकिन मैंने ही ज़िद करी थी। और मज़ा भी सीज़न टाइम में ही आता है, लेकिन भीमताल से जब रास्ता कटा ना तो ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया, तब जाके रिलीफ मिला। भाई अब इसके पापा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे हम लोगों को। एंड आप लोग देख सकते हैं, वैसे जो लोग यहाँ आ चुके ना उनको पता चल गया होगा देख के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड जो लोग यहाँ नहीं आए तो उनको बता दूँ, हम लोग हैं भुजिया घाट में। रेस्टोरेंट के बारे में सुना था लेकिन गए कभी नहीं थे, बट फाइनली ये हमको यहाँ ले ही आए घुमाने के लिए। ये तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। एंड मैंने सोचा था ना यहाँ मतलब पिक्स वगैरह तो खींचेंगे ही एंड रील्स वगैरह बनाऊँगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। एक आधी रील्स वीडियो से ही मैंने टाप के बनाई हुई है, वो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, एंड नीचे डिस्प्ले में भी शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये जो सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, हम लोग यहाँ गए क्योंकि मुझे यहाँ का थोड़ा लोकेशन अच्छा लगा इसीलिए। लगभग 1 बजे के करीब हम लोग घर से निकले थे और हमें पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया यहाँ, मतलब 2 बज चुके थे। और सिया भी बहुत थक गई थी, उसका चेहरा ही उतर गया था बेचारी का। खाने का टाइम भी हो गया था ना, इसलिए उसे भूख भी बहुत लग गई थी। फिर हमने फटाफट से ऑर्डर किया तो उसने बोला कि लगभग आधा घंटा लगेगा, तो 2:30 बजे हम लोगों का खाना आया। सैंडविच कर दो उसके लिए। नहीं खाएगी? नहीं खाएगी सैंडविच? थोड़ा ही खाएगी, आधा बर्बाद कर देगी, ब्रेड ब्रेड कम ही खाती है, उसके अंदर का नहीं खाएगी ना। मेरा बच्चा बीच में जाने के लिए तैयार हो गया, गोवा वाले बीच पे, लेकिन पापा ले जाएगा ही नहीं अभी।
स्नैक्स में हम लोगों ने ऑर्डर करे मोमोज, जो काफ़ी सही हो रहा था खाने में। सिया ने तो ज़्यादा नहीं खाया, बस हम लोगों ने ही खाया। उसके बाद मेन कोर्स में हमने सिंपल बस दाल राइस एंड रोटी ऑर्डर करा, क्योंकि सिया को इसी टाइप का घर का खाना पसंद है। वो बाहर का ग्रेवी वाला वो नहीं खा पाती ज़्यादा, इसलिए उसको ध्यान में रखकर हमने ये ऑर्डर करा ताकि वो भी खा पाए, भूखी ना रहे। एंड उसके बाद सिया इंजॉय कर रही है अपना स्ट्रॉबेरी शेक, जो उसे बहुत पसंद है। एक ही बार में फिनिश कर देती है बिल्कुल ही। ढकनी है अब नीचे का शाम हो गई थी और लगभग शाम के 5 बज गए थे, तो हम भी निकल पड़े अपने घर की तरफ। एंड रास्ते में चलते चलते पता नहीं क्यों इनको भूख टाइप की भी लग गई थी शाम को, तो फिर इन्होंने बोला कि सामने ही आगे थोड़ी दूरी पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ के मोमोज बहुत फेमस हैं। तो इन्होंने अपने लिए फिर मोमो ऑर्डर करे। गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करा। एंड हम लोगों ने फिर इन्जॉय किया अपना मोमो एंड कोल्ड ड्रिंक फिर से। एंड यहाँ सिया मोबाइल में ही बिजी। सो गाइस, हम भी पहुंच चुके हैं घर। थकान इतनी हो गई वहाँ घूम के करके, और मैं वहाँ से एक ही लेके आया हूँ प्लांट, गुलाब का फूल। बहुत अच्छा लग रहा था, उनसे मांगा तो उन्होंने दे दिया, मना नहीं किया। एंड सिया भी अभी सो रही थी तो उसको बस सुला ही रहा था मैं, पता नहीं अब उसकी नींद कहाँ भाग गई, अब वो सो ही नहीं रही है। तो अब वो बाहर चले गई खेलने के लिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।